सो हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक हो। तो आज किस नए वीडियो पे आज हम लोग सीखने वाले हैं आप लाइट रूम एप्लीकेशन के यूज करके कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। तो जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ तो गाइस, तो आपको पहले अपने फोटो को शेयर करके ले जाना है लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। मैं शेयर वाला ऑप्शन पर शेयर करके ले जाता हूँ लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। फिर आपको ऑल फोटो पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद अपने फोटो को कर लेना है ओपन। ओपन हो जाने के बाद आपको लाइट वाला ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। फिर इसका कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, हाईलाइट को बढ़ा लेना है गाइस, फिर शेडो को भी, फिर आपको वाइट को भी थोड़ा सा बढ़ा कर ब्लैक को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है। फिर जाएंगे टेम्परेचर वाला ऑप्शन पर, इसका वाइब्रेंस को बढ़ा के मिक्स टूल पर आ जाना। आने के बाद इसको सैचुरेशन कर लेंगे माइनस, लुमिनेंस को प्लस, ताकि हमारा फेस थोड़ा वाइट हो सके। फिर जाएंगे रेड कलर पर, इसका ह्यू कर लेंगे माइनस, सैचुरेशन को प्लस। फिर जाएंगे येलो कलर पर, इसका ह्यू कर लेंगे माइनस, सैचुरेशन को प्लस। फिर जाएंगे ग्रीन कलर पर, इसका ह्यू को कर लेंगे माइनस, सैचुरेशन को प्लस। फिर आपको शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, फिर इस फोटो को कर लेना है सेव। सेव हो जाने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद इस फोटो को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। ये हमारा फोटो डिलीट हो चुका है। डिलीट होने के बाद ऐड फोटो वाले ऑप्शन से इसे फोटो कर लेंगे ऐड। ये हमारा फोटो ऐड हो चुका है। फिर जाएंगे ऐड फोटो के अंदर। ऐड फोटो पे जाने के बाद और एक वीसेट को ऐड कर लेना है। ऐड हो जाने के बाद इस वीसेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर लेना। फिर इस वीसेट को ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके फिर इस कॉपी सेटिंग कर लेना है, आपको डन कर लेना है। डन हो जाने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद इस फोटो कर लेंगे ओपन। ओपन हो जाने के बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है और पेज सेटिंग कर लेना है। जाएंगे कलर वाला ऑप्शन पे, देन मिक्स टूल पर जाएंगे, इसका सैचुरेशन कर लेंगे माने लुमेंस को प्लस, थोड़ा फेस को वाइट करने के लिए इसका लुमेंस कर लेंगे प्लस। फिर जाएंगे डन कर लेंगे। फिर जाएंगे इस वाला टूल पर, इसका टेक्सचर को कम करके क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। फिर आपको विग्नेट को थोड़ा सा कम करके इस वाले टूल पर आ जाना है। आने के बाद आपको डिटेल्स को थोड़ा बढ़ा के कलर नॉइस रिडक्शन बढ़ा लेना है, डिटेल्स नॉइस स्मूथ को बढ़ा के इस पर दोनों बटन को ऑन कर लेना है। फिर आपको इस फोटो को बिफोर एंड आफ्टर देख लेना है। फिर आपको शेयर वाले ऑप्शन पर जाके इस फोटो कर लेंगे गैलरी में सेव। और भाई लोग जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर गाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। जब हमारा फोटो सेव हो चुका है इसको ओके कर लेंगे। फिर इस फोटो को शेयर करके ले जाना है स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। यह हमारे स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन हो चुका है। फिर जाएंगे डिटेल वाला ऑप्शन पर, इसका शार्पनिंग को बढ़ा लेंगे ना। फिर आपको शार्पनिंग थोड़ा सा बढ़ा के आपको डन कर लेना है। फिर जाएंगे पेंसिल वाला ऑप्शन पर, टूल इमेज, फिर जाएंगे सिलेक्टिव टूल पे। जाने के बाद आपको अपने फेस पर कुछ इस टाइप से मार लेना है। फिर आपको देख लेना, फिर इसको जहाँ जहाँ ब्लैक है उसी को वाइट कर लेना है। फिर जाएंगे टूल इमेज पे, इसका ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, कंट्रास्ट को भी, सैचुरेशन को भी, अमाउंट को भी, हाईलाइट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। फिर आपको शेडो को थोड़ा सा कम, फिर आपको डन कर लेना है। फिर आपको देखना, फिर जाएंगे इस वाले टूल पर। जाने के बाद आपको स्मूथ को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, फिर आपको फेस को थोड़ा सा वाइट करना है, फिर आपको आइज को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, फिर आपको डन कर लेना है। फिर आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर दिखने में कितना फोटो अच्छा लग रहा है। फिर इस फोटो को डन कर लेना है। डन करके इस फोटो गैलरी में सेव कर लेना है।